हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं मूंगफली खाने के क्या क्या फायदे होते हैं। जैसे ही ठंडी स्टार्ट होती है, सबका फेवरेट मतलब जितनी भी गर्माहट वाली चीज़ें होती हैं वो खाने में अच्छा भी लगता है और वो प्रॉपरली डाइजेस्ट भी हो जाती है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो जब ठंडियाँ स्टार्ट होती हैं, आपके भी माइंड में आता है कि हम मूँगफली खरीद के लेके आएँ और उसे खाएँ। और मूँगफली खाना भी चाहिए, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे मूँगफली खाइए आप, बादाम खाइए, अखरोट खाइए, ये सारी चीज़ें गर्माहट वाली चीज़ें होती हैं। तो इसे अगर आप ठंडियों में खा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आप गर्मियों में भी खा सकते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों का एक अमाउंट होता है, अगर आप उस अमाउंट में इनका यूज़ करते हैं तो ये कभी भी आपकी बॉडी पर कोई भी बैड इफेक्ट नहीं शो करेंगे। लेकिन अगर इनका एक प्रॉपर अमाउंट नहीं फिक्स रहा है, एक प्रॉपर अमाउंट में इनका यूज़ आपने नहीं किया, तो ये क्या करेंगे, आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट शो करेंगे, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि जो है मूंगफली के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं, देन हम बात करते हैं कि मूंगफली खाने के क्या क्या फायदे होते हैं। मूंगफली के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटीन, हेल्थी फैट, विटामिन ई, मिनरल जैसे कि मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, मोनो अनसेचुरेटेड फैट होता है, जीरो कोलेस्ट्रॉल, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, मतलब इतने सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो है मूंगफली के अंदर पाए जाते हैं। और ये जो मोनो अनसेचुरेटेड फैट की वजह से अगर आप मूंगफली जो है यूज़ कर रहे हैं, चाहे कोई भी यूज़ करे, हार्ट का पेशेंट भी मूंगफली का यूज़ कर सकता है, क्योंकि मूंगफली के अंदर मोनो अनसेचुरेटेड फैट पाया जाता है और इसके अंदर बिल्कुल भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। ये नहीं सोचना है कि ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, ये कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि आपकी बॉडी को जो है हेल्थी रखेगा। और जो हार्ट के पेशेंट है वो भी मूंगफली का यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में हम बताएंगे आपको एक दिन में कितना मूँगफली खाना चाहिए। एक दिन में आप अगर उसी अमाउंट में मूँगफली का यूज़ करते हैं तो ये आपकी बॉडी पर कोई भी बैड इफेक्ट नहीं शो करेगा। तो चलिए बात करते हैं कि मूंगफली खाने के क्या क्या फायदे होते हैं। अगर आप मूंगफली खाते हैं तो ये आपके हार्ट को हेल्थी रखता है। आपने सुना होगा आजकल जो पित्त की पथरी है वो बहुत ज्यादा बढ़ी जा रही है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है या आप अपने पित्त की पथरी को कंट्रोल करना चाहते हैं, उससे बच के रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप डेली जो है मूंगफली का यूज करिए, ये प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है वो है वेट मैनेजमेंट। आपने बहुत सारे प्रोसेस का यूज़ कर लिया, बहुत सारे मेडिसिन सब चीज़ का यूज़ कर लिया, फिर भी आपका अगर वेट नहीं कंट्रोल में आ रहा है तो आप मूंगफली का यूज़ करके भी अपने वेट को मैनेज रख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। वेट कब बढ़ता है, वेट तभी बढ़ता है अगर आपकी प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं है और आप अपने डेली की रूटीन में ज़्यादा से ज़्यादा बाहर वाली चीज़ें या ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, तो आपका धीरे 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 वेट बढ़ता जाएगा। और वेट बढ़ने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं बॉडी में, खतरनाक से खतरनाक बीमारियां भी बॉडी में हो सकती हैं। इसीलिए अगर आपको हेल्थी रहना है, डिजीज फ्री रहना है, सबसे पहले आप अपने वेट को कंट्रोल में रखिए, आप अपने वेट को मैनेज करके चलिए, आपको किसी भी प्रकार की कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। उसके साथ साथ जो है अगर आप अपने मसल पावर को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप जो है मूंगफली का यूज़ कर सकते हैं। जितने भी एथलीट्स होते हैं ये सब ज़्यादातर नट्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है और जितने भी एथलीट्स होते हैं उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, उनको अपनी मसल पावर बढ़ानी होती है, तो इसलिए वो लोग खाना कम ये सारी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तो आप भी इनका यूज़ करके अपने मसल पावर को बढ़ा सकते हैं। बस एक बात का हमेशा याद रखना है, कुछ भी खाना है, पीना है, कुछ भी खाइए, लेकिन उसके बाद खाने के तुरंत बाद आपको पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है, नहीं तो उसका बॉडी के अंदर आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, तुरंत आपकी बॉडी में रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है।
नेक्स्ट जो है वो है कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल। अगर आप अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है उसे भी कंट्रोल करने के लिए आप जो है मूंगफली का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो है स्किन हेल्थ। अपने स्किन को हेल्थी रखने के लिए, स्किन पे पिंपल्स ना हो या भी और भी जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए आप अपने डेली की रूटीन में मूंगफली को ऐड कर लीजिए। आप मूंगफली को भिगोकर भी खा सकते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग वे में सब लोग इसका यूज करते हैं। अब जो है हमें खाना कितना है, आप एक दिन में जो है 28 से 50 ग्राम मूंगफली का यूज कर सकते हैं, मतलब बच्चों से बूढ़े तक इतना यूज कर सकते हैं। अगर आप एक एथलेट्स हैं या आप कोई बैलेंस मतलब रूटीन को फॉलो कर रहे हैं तो आप जिन आपके जो डाइटिशियन हैं उनसे आप एडवाइस लेके उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं, या आपको कोई बीमारी है, आप किसी चीज़ की मेडिसिन ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके तब आप इसका यूज करिए, क्योंकि हर बीमारी में हर चीज में जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों का यूज़ किया जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके साथ नहीं ली जाती हैं, इसलिए आप उनसे प्रॉपरली कंसर्न करके उसके अकॉर्डिंग आप इनका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हर कोई मूंगफली खाना शुरू कर दीजिए ताकि आप अपनी बॉडी को फिट फाइन एंड डिजीज भी रख सके, और एक प्रॉपर बैलेंस डाइट के चार्ट को बना के रख लीजिए, उसे फॉलो करिए और अपने डेली रूटीन में कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ को ऐड कर लीजिए ताकि आप हमेशा फिट एंड फाइन एंड आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।